हेलो गाइस, बहुत मायने बात। तो आज का व्लॉग होने वाला है एंटरटेनिंग, मोटिवेशनल एंड इमोशनल, क्योंकि आज मैं अपने कॉलेज के कुछ खास किस्से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सेकंड थॉट आता है कि क्यों करूँ, फिर थर्ड थॉट आता है कि मुझे भगवान ने अगर अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दी है तो व्हाई नॉट टू शेयर इट विथ यू गाइज, लेट्स डॉक्यूमेंट। तो मेरा कैमरा उठाकर मैं अपने व्लॉग की तैयारी में जुड़ जाता हूँ। लेट हो चुका हूँ, भागना पड़ेगा, 7:10 की ट्रेन है दिल्ली जाने के लिए। ऐसी बेड पे लेटा था और मुझे ये मैसेज आता है, इसके लिए मुझे भागना पड़ता है अंधेरी। बहुत दिनों बाद नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ। आज सारा का सारा प्लान मेरा कैंसिल होते होते बचा है क्योंकि केलवा में चल रहा है ट्रैक का कुछ काम। 8:30 की 2 लोकल ही है तो वो सिर्फ केलवे तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो अच्छा हुआ मैंने 7 बजे की ट्रेन पकड़ी, लक आज मेरा लक है, लेट्स ट्राई इट आउट। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, आज भी देखो आज का जो वेदर है यहाँ पे, वहाँ से ट्रेन आ रही है, क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं चढ़ने से पहले झगड़ा कर रहे थे, अब वहाँ दूर जाके मारा मारी कर रहे, और ये कार्य करते अपनी सीट छोड़कर झगड़ा देखने बैठ गए। अब इस ट्रेन के सफर में मुझे असुर सीरीज की याद आती है कि कलयुग आने वाला है और मैं भी स्टार्टेड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको भी सवाल आ रहा होगा, तो थोड़ी देर रुको पता चलेगा। तो ट्रेन का सफर बहुत अच्छे से गुजर रहा था, इसी के साथ मेरा लक यही खत्म होता है क्योंकि ये ट्रेन लास्ट थी जो चर्चगेट जाने वाली थी। आफ्टर दैट केलवा के ब्लॉकेज की वजह से 1.5 घंटे के आसपास एक भी ट्रेन नहीं थी, तो ये ट्रेन ओवरलोड हो गई और उसी के साथ मैं गलती से सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठ गया। जैसे पालघर में रश बढ़ा फिर क्या, मुझे उठा दिया, यानी अब 66 किलोमीटर का सफ़र मुझे खड़े होकर जाना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, 66 किलोमीटर का सफ़र है वो भी खड़े खड़े, तो मुझे बोर होना ही है। और मेरे सामने ये लोकल एंटरटेनमेंट चालू हो जाता है और मैंने नाम दिया था ना असुर द कलयुग, ये देखो। ये हुआ था वसई में शुरू, अंधेरी पे खत्म हुआ, पता भी नहीं चला अंधेरी कब आया। मैटर इतना बढ़ गया कि पैसेंजर ने इनको धक्का मार के बाहर निकाला और RPF को बुलाया। कैसा है? मस्त बना, बहुत मजे में। फिर थोड़े गप्पे लड़ाने के बाद हम निकल पड़े भवंस कॉलेज रिक्शा से। फाइनली आ गए हमारे कॉलेज, आओ थोड़ा टूर लेते हैं अब कॉलेज का। आ जा भाई, घुसना है तेरे को, आ जा, आ जा, आ जा, आने आ जा, आ जा, अभी तो मिलने भी नहीं वाले। मेन एंट्री याद है वो? उसकी क्या याद है? अपन तो ना बैठते थे था। हाँ। वो कुछ नहीं, वो लास्ट दिन का अपन ने आम निकाला था उधर से, वो लोग ने आम दिया था, खेल रहे थे इधर बैठ के, कैच कैच खेल रहे थे अपन, वॉचमैन आके चिल्लाया, फिर उसके बाद अपन पिक्चर देखने गए थे। नहीं नहीं, उससे पहले एक बार है ना वो बर्गर खा रहे थे हमें बैठ के, कॉलेज में कुछ खाने के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पे ना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था, तो ये पूरा रिबिल्ड और रिकलर कर रहे हैं अभी। देखो 3 साल का कॉलेज था, सिर्फ एक ही साल आया, मैं 1.5 साल आया। वो अल्टरनेट डेज का भी चालू था, अल्टरनेट डेज का मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। तो मेरा कॉलेज होता था 7 बजे, यानी कि मुझे रात को 3:30 बजे उठकर तैयार होकर 4:40 की ट्रेन लेकर सिर्फ 2 घंटों के लेक्चर के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि कोविड का सीजन यानी अल्टरनेट रोल नंबर्स के अटेंडेंस था, लाइक ऑड नंबर day 1 पे, नेक्स्ट डे इवन वालों को, ऑड वालों को छुट्टी। इन सब के बीच 6 घंटों का ट्रैवलिंग, 2 घंटे की पढ़ाई। कॉलेज लाइफ का एक सर्कल मेरा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कॉलेज में आया था तो यही सी मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी यही एंड हो रहा है, यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा था फर्स्ट ईयर, अभी भी वही बैठा हूँ। वो तो मैंने भी वैसे ही किया, मेरी मेरी जगह वो फिक्स थी, फैन के नीचे बैठा था। ओनली गर्ल्स और मैं अकेला बंदा, व्हाट द व्हाट, समझ रहे तू? अब क्या बोलते हो, ऐसा ऐसा तो नहीं था ना कि लड़कियों के बीच गे बन के रहता था तो लड़कियां एक्सेप्ट करती थी। गे वाली थिंग कोई और है, मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नहीं पता कौन है, क्यों
ये बोला मैं भूख नहीं किया ये बोला। और जैसे मैं अपने क्लास में आता हूँ, मन में बस एक ही आवाज आती है, सब खत्म। अब जो हंसी मजाक किए थे वो सारे यादें बनने वाली है। काश और एक बार बंक मार के दोस्तों के साथ चले जाता तो, काश वो आखिरी ट्रेन छोड़कर दोस्तों के प्लान में शामिल हो जाता तो। सैड है ना, पर यहाँ पर मैंने मेरे लाइफ की पहली ट्रॉफी, पहला मेडल जीता था। देयर वाज अ टीम जिसने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि स्कूल में कभी चांस ही नहीं मिला टैलेंट शो करने का। ड्रामेटिक्स में आई वॉज द रोनाल्डो ऑफ माई कॉलेज। हर इवेंट में से एक ट्रॉफी पक्की है कॉलेज के लिए। आई वॉज एट माई पिक, इट वॉज जस्ट लाइक माई ड्रीम। SY में ज्यादा दोस्त बन नहीं पाए मेरे, पर थर्ड ईयर में ट्रैवलिंग की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई। जहाँ पर SY में अल्टरनेट डेज पे अटेंडेंस होता था, अब वो रेगुलर हो गया। इसके कारण मेरी नींद कभी पूरी नहीं होती थी, आंखें लाल हो जाती थी। जल्दी सोने की भी कोशिश करता था तो प्रेशर रहता था कि जल्दी नहीं सोया तो सोने का टाइम कम हो जाएगा। जैसे तैसे 1-2 बजे नींद आती थी, फिर 3:30 बजे उठो चल पड़ो कॉलेज। तो ये पूरा दिन एक्टिवनेस थी कॉलेज में। कॉलेज के आने के बाद भी कॉलोनी के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। पूरा टाइम मस्ती मजाक, अच्छे दोस्त भी थे। यहाँ पर 2 फैमिली लेवल के दोस्त बन गए। लाइफ वॉज एब्सोल्युटली ऑन हैप्पी मोड। जैसे सेम 5 खत्म हुआ, जिंदगी का टाउनफॉल शुरू। मेरे कॉलेज का फेस्ट जो 8 साल बंद था, उसको रिवाइव देने के लिए हमने एक टीम बनाई। मैं खुद एक डिपार्टमेंट में हेड था, पर थोड़े महीनों बाद किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। कौन गलत कौन सही है मुझे नहीं पता, पर कुछ डिसीजन के कारण की वजह से मैंने वो टीम छोड़ दी। फॉर मी दैट इवेंट वॉज लाइक अ वर्ल्ड कप। पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही थी, और भी रीजंस थे जो मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें प्राइवेट ही ठीक होती है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं एकदम शांत हो गया था, क्योंकि मैं किसी के साथ अच्छा भी करूँ, किसके साथ अच्छा भी रहूँ, मेरे साथ बुरा ही हो रहा था। अ प्योर डाउनफॉल यू कैन से। जब ये सब चल रहा था मेरे इर्द गिर्द, आई वॉज थिंकिंग कि मेरे दोस्त मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेंगे, पर नो वन टर्नड आउट टू आस्क मी ओम तू कैसा है। मैं पूरा अकेला पड़ गया था, समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या। फिर बाउंस बैक का नाम सुना है? फिर क्या ही होना था, फिर से स्टार्ट किया। फॉर एवरी इफेक्ट देयर इज अ रूट कॉज, फाइंड द एड्रेस ऑफ द रूट कॉज रादर देन ट्राइंग टू फिक्स द इफेक्ट। फिर से मैंने टीम ज्वाइन किया, इस बार एज अ वॉलंटियर गया। पढ़ाई शुरू की, लाइफ को पिकअप मिलते गया। God really gives you a chance when you decide to improve. अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ मिल जाए। दोस्त खोए मैंने, क्योंकि जो वो कल होने वाला था वो आज हो गया। इसलिए जिस पल में हो खुलकर जियो, गलतियां करो एंड मेक श्योर उस गलती को वापस रिपीट ना करो। इसी बीच मुझे मेरा अच्छा दोस्त भी मिल गया, जो अभी व्लॉग में है। एंड देखा जाए तो आई लॉस्ट नथिंग, एंड दैट्स हाउ आई ओवरकम ऑल माई प्रॉब्लम्स एज अ चैंपियन। अब क्लासरूम में समय बिताने के बाद मैं अपने टीचर से मिलने जाता हूँ, स्वीट फोटो लेकर सोचता हूँ कि आखिरी बार कैंपस देख लूँ। तो मैं चल पड़ता हूँ कॉलेज के मंदिर। ये मंदिर शंकर भगवान का है, पर मंदिर तो बंद था, इसलिए बाहर से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता हूँ। और कोइंसिडेंटली मुझे ये दिखता है, ऐसा एक सांप निकला यहाँ से एकदम नजदीक से मेरे घर। इतना बड़ा सांप था वो, एंड उसका कलर ब्लैक था। आई डोंट नो ब्लैक वाले सांप को क्या कहते हैं, पर इतने नजदीक से गया मेरे। और ये सामने भवंस नेचर एंड एडवेंचर सेंटर, जहाँ पे हमें एंट्री मिलती ही नहीं, आज कोई है नहीं इसलिए उसने मिल रहा है। यहाँ पे एक मोर था, मैंने देखा था, उसको ढूंढते। सेम से यहाँ पे बारिश गिरी ही नहीं है, क्योंकि ये तालाब पूरा भरा हुआ रहता है, और यहाँ पे अभी एक साइड पानी ही नहीं है। देखो मेरा जो कॉलेज है ना, वो नेचर से बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं डानू तो आपको पता ही है, वैसे ही मैंने कॉलेज चूज कर लिया। देखो जो मैंने कुत्ता बोला था, देखो वहाँ पे कैसे सोया है, देखो ये देखो। जब तक है जान में वो रोप वाला कुछ तो था ना, वो वैसा होगा उल्टा लटक के जाना। हाँ एंड सी, मैंने बोला था ना ब्लैक स्नेक, इसको देखा था मैंने। ये देखो यहाँ पे ये सब है मोर, मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, आज ढूंढ के जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आया हूँ खाली हाथ नहीं जाने वाला, आज सब कैप्चर करने वाला मेरी लाइफ के सब मोमेंट्स।
मैं ढूंढ रहा हूँ, रुको। और आधा घंटा वही जगह पर बार बार घूमकर मुझे दिख जाता है मोर, जो कि पेड़ पर आराम कर रहा है और ऐसे एंगल पे बैठा है कि वहां से कैमरे को विजिबिलिटी ही नहीं थी। फिर भी मैंने कोशिश की उसको कैप्चर करने की, एंड दैट्स हाउ आई कैप्चर्ड। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि टाइम हो गया खाना खाने का। सुहास निकल गया अपने ऑफिस। ये टोकन सिर्फ 95 रुपीस का है, इसमें आप पेट भरकर खाना खा सकते हैं। भवंस कॉलेज का तो काम हो गया है, अब मेरे लाइफ के दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, वैल्यूएबल टाइम स्पेंड किया है। तो अब वहाँ जाएंगे हम, एंड उसके बाद होगा वीडियो ख़त्म। दो जगह है, फर्स्ट चलो निकलते। और एक टाइम आया थर्ड ईयर में, ट्रैवलिंग की इतनी हेक्टिक हो गई थी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी एक फ्लैट रेंट पे ले लेंगे, जो कि मेरे कॉलेज से सिर्फ 350 मीटर दूर था। यानी अब आराम से उठो और आराम से चलो। यहाँ पे मैंने मेरी 6 महीने गुजारे, 6 महीनों में बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ कॉन्कर किया है, एंड बहुत मेमोरीज बनाई है। मैं आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है। तो ये वो रात है जहाँ पर मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था। ये जर्नी को अपना ही अलग मजा है। अब सच बताऊँ तो आई एम अ फैमिली गाय, मुझे मेरी फैमिली हमेशा साथ चाहिए। आई एम डीपली एंड इमोशनली कनेक्टेड विद देम। अब अपना घरदार छोड़कर मुंबई जैसी जगह पे आने के बाद, इतने हाइट पे रहने के बाद जहाँ से पूरा मुंबई दिखता है, पापा ने गरीब के हाथ में सोना थमा दिया, जिसकी मुझे कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि घर पे आने के बाद वहाँ माँ नहीं होगी, पापा के ताने नहीं होंगे। छोटी बहन को चिढ़ाना, बुरा पागल है, इसलिए तो कुछ भी वीडियो अपलोड करता रहता है। और घर पे आने के बाद मैक्स का वेलकम देखना। बस 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 बस, ओ कर्ण बाबू प्रेम आए, कर्ण गुड बॉय। एक टाइम आता है जहाँ पे आप अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने लगते हो, और वही करते करते बहुत मजा आता है, और धीरे धीरे ये बॉन्डिंग बढ़ते जाती है। उसी बीच ये भाई साहब मेरा रूममेट, जो कि हीरा इंसान है, नाम रुद्र खाड़ी है, कहते हैं कि अगर घर में अच्छी वाइब्स हो तो घर एकदम खुशियाँ और पॉजिटिवनेस से भरी रहती है। दिस मैन कैन डेफिनेटली पुल ऑफ दिस, एकदम दिल वाला और चिल पर्सनैलिटी। इसकी जो टैगलाइन है वो हमने दी है, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, क्योंकि इसकी जैसी कॉलेज लाइफ आई बेट किसी ने भी देखी नहीं होगी। ये हमारे लिए भी एक सपना है। डोंट पे बाय ड्यू डेट करते 130 रुपए, गैस बिल 30 रुपए, एंड दो वर्ड हमारे बीच में झगड़ा बहुत होता है, यानी वो वाला झगड़ा नहीं, मारा मारी वाला, सिंपल। और अगर हम दोनों हंसने लग गए तो फॉर श्योर सामने वाले को जोक ना भी पता हो तो भी वो हंस देगा। अगर बिग बॉस जैसा ये घर में भी कैमरे होते तो आज हमारा अलग ही फैन बेस होता। पर ये जानती पूरे घर की, कितना भी झगड़ लो, गाने और खाना एकदम मस्त बनाता था। घरी बनवलेला आहे प्रतीक भावानी, आमच्या प्रतीक भावानी, चिकन काय चिकन मालवणी एक नंबर झालेला आहे। इथं आहे मी कलेजी घेतलेला आहे विथ काजू, रुद्र खाडे स्पॉन्सर्ड, हे बघा कलेजी। हा हा हा। और इसी तरह 25 अप्रैल को इस घर को अलविदा कहने का समय आ जाता है कि अब टाइम आ गया है सब छोड़कर जाने के लिए। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज जो भी हो यहाँ से बहुत कुछ सीख कर चल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में अप्लाई करके चल रहा हूँ आगे। और जब भी ये लाइफ से थोड़ा तंग आता था तो ये एक जगह थी, ये जगह, ये अभी आप क्लूलेस हो गए,
मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगा, क्योंकि जिंदगी में एक टाइम आता है ना, ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ हम रोए हैं एक टाइम पे मैं वहाँ जाके हंसूंगा। दिन आ गया है, चलो। तो जैसे आप क्लूलेस थे तो ऊपर ये मंदिर है जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके ऊपर तक पहुँच जाता हूँ, और मुझे पता चलता है कि गाइस एक मिशन इनकम्प्लीट रह गया। इतना चढ़ने के बाद ताला लग गया। किचन से मैंने पूछा कि मंदिर कितने बजे खुलेगा, ऐसा बाजू से। और खुलता का पेपर 4 बजे। अभी बज रहे 2, पंगा ले लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपको दिखने में थोड़ा ही लग रहा होगा पर मर गया हूँ मैं, क्योंकि एक एक शॉट लेने के लिए आपको कैमरा पहले बिठाना पड़ता है, फिर पीछे आके ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि आप चल रहे हो, तो उसमें ऊपर नीचे करके तबला बज गया मेरा, पर मिशन इनकम्प्लीट रह गया। क्या लगता है, वापस आ पाऊँगा यहाँ पे? आऊँगा, वापस आऊँगा, जल्द आऊँगा। अब ढालू निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये एक ही जगह रह गई थी मेरी जगह। मैं धूप है कि मजाक है? कोल्ड कोको लो। दुख, दर्द, पीड़ा, जाते जाते भी एक दुख हो रहा है कि अभी वो 4:40 की ट्रेन पकड़ने नहीं मिलेगी। रूटीन चेंज होगा, लोकेशन भी चेंज होगा, जिंदगी इजी मोड पे चल रही थी, अब होगा लेवल अप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगे, सब अपने अपने बनाए हुए रस्तों पर चलकर खो जाएंगे, मिलने को भी हफ्ते लग जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल चेंज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लगता है इसी का नाम ही जिंदगी है। इसी के साथ मेरा सफर और मेरे डिग्री कॉलेज का चैप्टर होता है क्लोज। अब देखना यह है कि क्लोज होकर और कौन सा एक चैप्टर ओपन होता है। अगर इंटरेस्ट है जानने में तो लाइक कमेंट कर देना, यानी फीड में आता रहो। और अभी इतना सब कुछ हो गया तो सब्सक्राइब तो कर देना। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम। 5:30 बज गए, थक गया हो भाई? मैं तो टूट गया अंदर से, ताकत ही नहीं है। अब घर पे जाके मस्त सोऊंगा।